नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूँ फिजा काजमी। क्या आज आपको नहीं लगता कि मुसलमानों को एक नए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आंदोलन क्यों और किसके लिए। ये आंदोलन आज मुसलमानों की बिगड़ती छवि के लिए वाजिब सा हो गया है। क्या आपको पता है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या कितनी है? मुसलमानों की संख्या इस मुल्क में 20 करोड़ के आंकड़े को भी पार करती है। दुनिया भर में 6 ऐसे देश हैं जहां मुसलमानों की जनसंख्या 20 करोड़ के आंकड़े को भी पार करती है, जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अमेरिका, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों का नाम शामिल है। यानी अगर दुनिया भर में 195 देश हैं तो भारत के मुसलमानों की जनसंख्या 189 के आंकड़े को भी पार करती है। अब ये तो हुई जनरल नॉलेज की बात, अब बात करते हैं टेलीविजन चैनल्स, अखबार और भाजपा के प्रवक्ताओं की, जिनकी बातों को खंगाले तो वो ये साबित करने की कोशिश करते रहे हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान की आबादी से भी ज्यादा यहाँ हिंदुस्तान में बसे हैं। इस सोच के मुताबिक मुसलमान यकीन के लायक नहीं है, क्योंकि 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान राष्ट्र विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं, क्योंकि ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और इनकी ही सोच के मुताबिक कुछ तो आतंकवादी भी हैं। अब या तो भारत की जड़ें कटाई प्रूफ है, या फिर भारत में रहने वाला 20 करोड़ मुसलमान बेवकूफ है, क्योंकि 70 साल से देश की खिदमत में लगा रहने वाला मुसलमान आज देशद्रोहियों का टैग झेल रहा है। अगर ये सोच गलत है तो मीडिया चैनल, सोशल मीडिया साइट्स और भाजपा प्रवक्ताओं के मुंह से निकलने वाले जहर को कोई रोकता क्यों नहीं है, उन्हें कोई टोकता क्यों नहीं है, ये सवाल उठना लाजमी सा लगता है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं मुसलमान नेता भी जिम्मेदार है। लेकिन मुसलमान नेता है कौन, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मुसलमानों में ज्यादा नेता है ही नहीं। कुछ मौलाना है जो कई बार टेलीविजन चैनल्स और टीवी डिबेट शोज में नजर आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने तर्कों में ही उलझ जाते हैं। तो कुछ ऐसे मौलाना भी हैं जो टोपी वाले हैं और वो ये तय करते हैं कि इस बार चुनाव में वोट किसको दिया जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों की आवाजें सुनाई भी देती हैं, पर पॉलिसी और मानव अधिकार आदि के मामले में ये सब आवाजें कहीं ना कहीं दब ही जाती हैं। बहुत सुनियोजित ढंग से आज आरएसएस परिवार को छोड़कर सभी आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ आवाजें उठती भी हैं जिसमें मुसलमानों को राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही और दकियानूसी सोच साबित करने की कोशिश की जाती है। अब वक्त आ गया है एक नए भारत के साथ एक नए मुसलमान का, जो अपनी तकदीर का खुद मालिक हो, अपने ख्वाबों का खुद मसीहा हो, जो किसी से ज्यादा नहीं तो किसी से कमतर भी नहीं। अब वक्त आ गया है जब हम सब मिलकर बोले कि मुस्लिम है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। शुक्रिया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर रोज मैं आप लोगों से ऐसे ही मुखातिब हो सकूं।